देख रहे हैं फास्ट मनी, मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप। एक ऐसा शो आप देख रहे हैं जिसमें 20 इंट्राडे कॉल्स आपको बताए जाते हैं, जिनमें खबरों का असर होता है, सेंटीमेंट्स प्ले आउट करते हैं, या तो फिर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स मजबूत या तो फिर कमजोर देखते हैं। उन्हीं शेयरों के बारे में आज भी चर्चा करेंगे जहां पे जबरदस्त कमाई देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले क्यूज देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत किस तरह के हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो खासतौर पर एसडीएक्स निफ्टी में करीब 10,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एशियन मार्केट से दरअसल जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। एक तो वीकेंड पे कोई भी खराब खबर नहीं आई, यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो टेंशन हैं, जो तनाव है वो कम हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स जो कि शुक्रवार तक गिर रहा था उसमें अब मजबूती देखने को मिली है एशियन मार्केट ट्रेड में, तो वो कुछ राहत की बात है। और उसके साथ साथ चाइना से दो अच्छी खबरें हैं जिसका इंपैक्ट आप देखिए एशियन मार्केट्स में आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं जो पिछले हफ्ते यानी कि फ्राइडे के दिन आपको जो कॉल्स बताई गई थी उसमें किस तरीके का रुझान देखने को मिला। आज के लिए जो क्यूज पॉजिटिव है वो तो आपको ध्यान में रखने ही है, लेकिन एक बार आपको रिकैप बता देते हैं फटाफट से। आपको जो पहला शेयर बताया गया था फ्राइडे को जहां पर टारगेट हिट हुआ वो वैभव ग्लोबल का शेयर था। टारगेट आपको 590 का बताया गया था, ये 542 पे क्लोज होते हुए बंद हुआ है, लेकिन दिन भर दिन आपने देखा कि ये 590 का टारगेट भी हिट हुआ। साथ ही आप देख सकते हैं स्पाइस जेट, ये शेयर जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ, इसका भी टारगेट हिट हुआ, इनफैक्ट टारगेट ओवरशूट होकर बंद हुआ है 137 पे। 135 का टारगेट आपको बताया गया था फ्राइडे के दिन। पुंज लॉयड एक और शेयर जो आपको बताया गया था, यहां पर भी टारगेट हिट होते हुए नजर आया, 24 का टारगेट आपको बताया गया था, 23 पर ये बंद होते हुआ नजर आया, 4% तक की तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ। इसके अलावा वक्रांगी एक और शेयर जो कि फ्राइडे के दिन आपको रेकमेंड किया गया था फास्ट मनी में बाजार खुलने से पहले, यहां पर भी 500 का जो टारगेट निर्धारित किया गया था ये भी टारगेट हिट होते हुए नजर आए। ये कुछ ऐसी कॉल्स हैं जो कि आपको फ्राइडे के दिन बताई गई थी। बॉम्बे डाइंग एक और शेयर जहां पर आप क्यू ले सकते हैं, 158 के टारगेट के लिए यहां पर रेकमेंडेशन थी खरीदारी की, यहां पर भी टारगेट हिट होते हुए ही नजर आया। साथ ही आप देख सकते हैं चीनी स्पेस से हमने बलरामपुर चीनी ये एक और शेयर आपको बताया था जहां पर 165 के टारगेट के लिए आपको रेकमेंडेशन थी और ये टारगेट भी हिट होते हुए ही नजर आया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर्स भी जान लेते हैं जहां पर आपको रेकमेंडेशन दी गई थी। ये CCL प्रोडक्ट्स यानी कि ये सुपर हिट शेयर के तौर पर आपको दिया गया था और यहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली, इनफैक्ट 6.5% तक की तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ। 300 का जो टारगेट आपको रेकमेंड किया गया था यहां पर भी ये टारगेट हिट होते हुए नजर आया। बायोकॉन को आप देखिए, ये भी शेयर आपको फ्राइडे के दिन रेकमेंड किया गया था फास्ट मनी में और 345 के टारगेट आपको बताए गए थे, 342 पर ये बंद हुआ, लेकिन 345 का टारगेट भी दिन भर में उसने अचीव किया। एक और शेयर आपको बता देते हैं, ये इक्विटास फाइनेंशियल का शेयर है, यहां पर भी आपको रेकमेंडेशन दी गई थी और 178.5 का टारगेट बताया गया था, ये टारगेट भी फ्राइडे के दिन भर कारोबार के दौरान ही हिट होते हुए नजर आया। कल्याणी स्टील, ये भी स्टील स्पेस से एक और शेयर आपको रेकमेंड किया गया था जहां पर 426 का टारगेट आपको बताया गया था, उसको सुपरसीड करके ये बंद होते हुए नजर आया 430 के लेवल्स पर, 2% 2.25% तक की तेजी के साथ ये शेयर भी दिन भर में हमने फ्राइडे को बंद होते हुए देखा। भूषण स्टील में भी आपको रिकमेंडेशन दी गई थी 70.8 के टारगेट के लिए, यहां पर भी हमने देखा कि ये टारगेट हिट होते हुए नजर आया 68 के लेवल्स पर, लेकिन 70.8 जो कि टारगेट आपको बताया गया था ये टारगेट भी हिट होते हुए नजर आया। चलिए लेकिन आज की तैयारी कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज की ऐसी कौन सी कॉल्स है जहां पर आपको नजर रखनी होगी। बताइए, लंबी लंबी लिस्ट आपने बताई साक्षी, 20 स्टॉक्स बताए गए थे उसमें से 10-12 स्टॉक्स टारगेट हिट हो रहे हैं, तो अपने आप में दर्शाता है कि परफॉर्मेंस किस तरह था। लेकिन एक चीज और इससे समझ आती है कि अगर टारगेट्स हिट हो रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉसेस तो फॉलो करनी है। बिल्कुल, टारगेट जो आपको बताए जाते हैं उनको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि उन लेवल्स पे जब आपको स्टॉक दिखते हैं तो अपना जो मुनाफा है उनको आपको समेटना भी चाहिए। खासतौर पर फ्राइडे का दिन जब हो, वीकेंड हो उसके सामने दो दिन का, तो तब तो आपको जो टारगेट प्राइजेस हैं उनको काफी ध्यान से फॉलो करके चलना चाहिए। आज के लिए मैं आपको सारे जो कॉल्स हैं वो खरीदारी के ही बताऊंगा, संकेत अच्छे हैं। और शुरुआत दरअसल मैं एक स्टॉक है HCL इंफो, इसके साथ करना चाहूंगा। देखिए, इस स्टॉक के लिए आज से ज्यादा कल का दिन काफी अहम हो सकता है, उससे पहले हो सकता है कि जो एंटीसिपेशन है उस एंटीसिपेशन में आज फिर से इसमें जो बाइंग है वो आती हुई दिखे। देखिए, फ्राइडे को करीब 3% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी इस काउंटर में हो चुका है। कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो एप्पल का जो iPhone 8 है वो लॉन्च होने जा रहा है, वो एक मेन ट्रिगर है, और उसके साथ साथ हो सकता है कि ये कंपनी एप्पल के साथ इनका एक करार एंटिसिपेटेड हो सकता है, उसका अनाउंसमेंट भी कल आता हो दिखे।
भारत में यानी कि इंडिया में जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो करार है वो हो सकता है, जिस एंटीसिपेशन में हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में काफी अच्छा रन अप इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखाया भी है। लेकिन फ्राइडे को देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन इस काउंटर में ऑलरेडी हो चुका है। आज भी अगर डिप्स के साथ इस काउंटर में शुरुआत होती है तो लोअर लेवल में इसमें आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो करार की बात मैं कर रहा हूँ एप्पल के साथ जो करार हो रहा है हो सकता है कि इसके जो फॉर्च्यून्स हैं वो टर्न होते हुए दिखें और ये कंपनी टर्न अराउंड होती हुई दिखे, घाटे से हो सकता है कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखे इस करार के बेसिस पे ही। तो एसएल इन्फो में इन लेवल्स के आसपास लोग भी मान रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि जो वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। 4950 का एक स्टॉप लॉस लगाएं इस काउंटर में, 52 तक के जोन्स आज देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और छोटी मझोली कंपनी है IFGL रिफ्रैक्टरीज, इस पर भी नजर रख के चलें। दरअसल ओवर द वीकेंड IFGL एक्सपोर्ट्स के साथ मर्जर को मंजूरी मिली है, एक शेयर के बदले कंपनी का एक शेयर मिलता हुआ दिखेगा कि जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उससे पहले अगर आप देखें अच्छा खासा करेक्शन फ्राइडे के दिन में 5.5% का हो चुका है। आज मुझे लगता है कि लोअर लेवल से आपको इस काउंटर में भी एक्युमुलेट करके चलना चाहिए, 320 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 306 रुपये के आसपास की क्लोजिंग तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 300 रुपये के आसपास सेट करके चल सकते हैं। चलिए तो दो शेयर्स आपको संदीप की तरफ से बताए जा चुके हैं जहां पर आप आज के लिए नजर रख सकते हैं। मेरी तरफ से आज का पहला शेयर होगा अदानी पोर्ट, यहां पर आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। खबर यहां पर यह है कि इकरा ने कंपनी की जो लॉन्ग टर्म की डेट रेटिंग है उसे बरकरार रखा है AA+ पर, आउटलुक भी स्टेबल दिया है जिसके चलते आज यहां पर सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए नजर आ सकते हैं। आप यहां पर बेट अगर लें तो 395 के टारगेट्स को जरूर ध्यान में रखें और 380 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। फिलहाल थोड़े डिप्स के साथ यहां पर यह बंद हुआ था लेकिन आज के सेशन में यहां पर तेजी पकड़ सकती है। फीनिक्स मिल्स ये एक और काउंटर होगा जो कि आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहां पर HSBC ने निवेश की सलाह को बरकरार रखा है यानी कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर ये तो शेयर ऑलरेडी है ही। कंपनी ने लक्ष्य यहां पर 580 का दिया है, मौजूदा 490 के लेवल्स हमने बंद होते हुए देखे थे। 502 का इंट्राडे टारगेट आपको यहां रेकमेंड किया जा रहा है, 489 पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहां पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो इन टारगेट्स और स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखें। इनफैक्ट साक्षी मैंने HCL इन्फो की बात करी, उसमें जो GST काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं उसके ऊपर जो GST 28% थी उसे घटाकर 18% कर दिया, तो वो भी एक ट्रिगर है जो कि शायद HCL इन्फो BPL MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे काउंटर्स हैं उनके लिए काम करेगा। लेकिन जो नेक्स्ट स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है भारत वायर रोप्स का। इस काउंटर में मुझे लगता है कि आज नंबर्स के दम पे जो ओवर द वीकेंड उन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए उसके दम पे आज तेजी देखने को मिल सकती है। 21 लाख का महज मुनाफा था वो बढ़कर आप देखिए 5.8 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचा है। आय भी अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.5 करोड़ से बढ़कर 35.5 करोड़ यानी कि 3 गुना के आसपास के जंप्स हैं वो आय के फ्रंट पे भी देखने को मिले हैं। हालांकि ये जो आप मुनाफे के नंबर देख रहे हैं 21 लाख से बढ़कर 5.8 करोड़ का मुनाफा हुआ उसमें एक बड़ा अदर इनकम का फैक्टर भी है, लेकिन आप उसको अलग कर भी दें तब भी मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो हो सकता है कि आज इन नंबर्स पे दम पे एक अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने को मिले। 110 का टारगेट प्राइस होगा, 104 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन अगर आपको 110 के लेवल्स दिखते हैं तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। एक और काउंटर जिसमें आज नतीजों की वजह से हो सकता है कि उठा पटक आती हुई दिखे वो है MP डिस्प्लेज का काउंटर। देखिए मैंने खरीदारी करने की सलाह दी है, हो सकता है जो शुरुआत है वो नेगेटिव टोन के साथ इस काउंटर में देखने को मिले क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें तो नंबर्स आपको कमजोर नजर आएंगे क्योंकि घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। लेकिन अब देखिए घाटे में कमी देखने को मिली है, 7.8 करोड़ के मुकाबले 5.2 करोड़ के आसपास का घाटा देखने को मिला है और उसके साथ साथ अगर आप ऑपरेशनली नंबर्स को देखें तो उसमें सुधार देखने को मिला है। जो अबेडा है वो 2.4 करोड़ से बढ़कर 5.8 करोड़ पर पहुंचा है और उसके साथ साथ मार्जिन अगर आप देखें जो कि 2.6% के आसपास के थे वो बढ़कर अब 4% के आसपास हो गए हैं। तो उस लिहाज से हो सकता है ऑन द फेस ऑफ इट शुरुआत है इस काउंटर में कमजोरी के साथ देखने को मिले, लेकिन लोअर लेवल से मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छी खरीदारी करनी है तो इस काउंटर में आप अप्रोच करके चल सकते हैं। उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीप होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज 40-41 तक के जोन्स हैं वो आसानी से नंबर्स के दम पे लोअर लेवल से रिकवरी के बाद देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप सेट करें 39 के आसपास का, MP डिस्ट्रीज में भी खरीदारी कर सकते हैं लोअर लेवल्स पर। चलिए MP डिस्ट्रीज आपको एक शेयर बताया गया है संदीप की तरफ से, अगला शेयर भी आप नोट कर लीजिए, ये KEI इंडस्ट्रीज का शेयर है जहां पर आज के सेशन में एक अपमूव एक्सपेक्टेड है क्योंकि भारी वॉल्यूम्स के साथ ये शेयर में लगातार खरीदारी हम देख भी रहे हैं। एवरेजेस के मुकाबले 2 गुना वॉल्यूम्स के साथ यहां पर तेजी हमने पिछले सेशन में भी देखी, आप देख सकते हैं करीब 5% तेजी के साथ ये शेयर बंद होते हुए नजर आए 275 के लेवल्स पर। अब जो टारगेट्स आज के सेशन के लिए आपको बताए जा रहे हैं वो 285 के हैं, स्टॉप लॉस आपको 272 पर मेंटेन रखना है। डेफिनेटली ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस है ये आपके रडार पर होना चाहिए। साथ ही एक और शेयर हम आपको बता देते
चलते हैं और यहाँ पर भी खरीदारी की ही रिकमेंडेशन होगी। जो अगला शहर हमारे पास है और ये इंफा का शहर है और खासतौर पर यहाँ पर भी इकरा ने छोटी अवधि के लिए जो कर्ज की रेटिंग है उसे A1 रखा है और लंबी अवधि की रेटिंग को भी यहाँ पर A- दिया है। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि इंडियन मेटल्स भी आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको जो टारगेट्स और स्टॉप लॉस रिकमेंड किए जा रहे हैं 718 के लेवल्स पर आप अपना टारगेट रख सकते हैं, 697 के लेवल पर आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 702 का करंट लेवल यानी कि जो पिछले हमने क्लोजिंग लेवल देखा है वो देखा है, करीब 2.5% से 2.5% तक की वीकनेस हमने देखी थी, लेकिन आज के सेशन में यहाँ अपटिक्स नजर आ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज ने आउटलुक रिवाइज किया है पॉजिटिव की तरफ वो यहाँ पर प्ले आउट होते हुए नजर आ सकता है। तो ये दोनों शेयर्स KEI इंडस्ट्रीज और इंफा मेरी तरफ से जहाँ पर आज आप बेट कर सकते हैं खरीदारी के तौर पर। चलिए तो 8 शेयर बताए जा चुके हैं साक्षी, आपने भी सारे खरीदारी के स्टॉक्स बताए हैं, मैंने भी खरीदारी के स्टॉक्स बताए हैं, अब बात कर लेते हैं आज के EPS शेयर। EPS के तौर पर मेरे पास जो शेयर है वो IT स्पेस है और साइंट पर हम बेट कर सकते हैं आज के सेशन के लिए जहां पर खरीदारी आपको रेकमेंड की जा रही है। कंपनी ने BNF डिजाइन का अधिग्रहण किया है, खासतौर पर अधिग्रहण में ऐसे एप्स और डिफेंस कारोबार में सुधार की उम्मीद लगाई जा रही है। BNF डिजाइन की करीब 80 to 90 lakh की सालाना आय है, तो यहां से एक पॉजिटिव ट्रिगर डेफिनेटली इमर्ज हो रहा है। 531 यानी कि पॉजिटिव टोन पर ही ये शेयर बंद होते हुए हमें नजर आया, यहां पर आपको खरीदारी रेकमेंड की जा रही है। 550 के टारगेट्स को जरूर ध्यान में रखिए, EPS के तौर पर आपको ये रेकमेंड किया जा रहा है और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, 528 के लेवल्स पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। संदीप आपकी तरफ से कौन सा शेयर है? साक्षी एक ऐसी स्पेस से मैं स्टॉक चुन के लाऊं जिस पे आप काफी ज्यादा फोकस करती हैं, फिटनेस का स्पेस है जहां पे आप काफी ध्यान रखती हैं और लोगों के बीच में जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, वो तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है ही इस कंपनी के लिए। तलवरकर्स की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ जिस वजह से मैंने इसे आज EPS के तौर पर चुना है उसकी वजह दरअसल ये है कि प्रमोटर अनंत गवांडे, ये जो प्रमोटर हैं कंपनी के, उनको करीब 5.8 लाख शेयर्स जारी करने की बोर्ड ने मंजूरी दी है और जो भाव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो 288 के आसपास की थी और जो शेयर्स जारी किए जाएंगे 5.8 लाख शेयर्स वो 318 रुपये 33 पैसे प्रति शेयर पर जारी किए जाएंगे, जो कि मौजूदा भाव से देखें 10% प्रीमियम पे हैं। एक तो प्रमोटर अगर इस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बताता है कि वो कितना स्ट्रांग है, और दूसरा अगर 10% प्रीमियम पे वो शेयर खरीद रहे हैं तो अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ से हो सकता है, उनको लगता है कि जो शेयर के भाव शायद अंडर वैल्यूड है और यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। तो दो मेन ट्रिगर्स हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि आज तलवकस में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आज के लिए 295 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, ये लेवल्स अगर आपको स्क्रीन पर दिखें तो हो सकता है कि 300 तक के जोन्स को भी अप्रोच करने की स्टॉक कोशिश करें, अपने स्टॉप लॉस को टेल करते हुए चलें, लेकिन जो 286 का स्टॉप लॉस है उसे जरूर मेंटेन करके चलें आज के लिए। संदीप देखा जाए तो ना ही केवल ये ट्रिगर पर कि लगातार हम देख रहे हैं कि हर तिमाही में कोई ना कोई छोटे एक्विजिशन की बात आती है या फिर तलवरकस के एक्सपेंशन मोड की बात आती है। ज्योग्राफिकली भी देखें तो काफी जगह पर अब उनका एक्सपेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से अभी फिटनेस का अवेयरनेस बढ़ रहा है, आई थिंक दिस इज द which is going to actually play out. देखिए जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है उसके बाद से देखिए लगातार इस कंपनी ने ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा है और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की जो आप बात कर रही हैं वो तो इस कंपनी का टारगेट था ही, जिस वजह से आप देखते हैं कि लगातार इस कंपनी का जो बिजनेस है और उसके साथ जो शेयर प्राइस है दोनों में ही इजाफा देखने को मिला और जो अवेयरनेस की बात है वो तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस पूरी स्पेस के लिए। एब्सोल्युटली, चलिए और फटाफट से अब आपको बता देते हैं कि अब तक जो आपको 10 शेयर्स बताए गए हैं एक फटाफट से आप रीकैप ले लीजिए। मेरी तरफ से आज का जो पहला शेयर आपको बताया गया था अदानी पोर्ट का था, यहां पर आपको खरीदारी रेकमेंड की गई थी 395 के लिए, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, 380 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा फिनिक्स मिल्स, ये एक और शेयर आपको खरीदारी के तौर पर बताया गया था, 502 का टारगेट आपको रखना है, 489 का स्टॉप लॉस आज के सेशन के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा KEI इंडस्ट्रीज, ये एक और शेयर आपको बताया गया था जो आज आपके रडार पर होना चाहिए, 285 के टारगेट्स के लिए आपको रिकमेंडेशन दी गई थी, 272 पर आपको स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना है। इंडियन मेटल्स एक और शेयर जो जहां पर आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है, आज के टारगेट्स आपको नोट कर लीजिए फटाफट से, 718 के हैं और 697 पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आज का जो EPS शेयर मेरी तरफ से था वो साइंट का था और यहां पर आप बेट लगा सकते हैं ये 550 के टारगेट्स के लिए, साथ ही 528 पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जो कि आज आपके रडार पर होने चाहिए।
एचसीएल इन्फो पे आप नजर रख के चले, आज 52 तक के जोन्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखे 4950 का। आईएफजीएल रिफ्रैक्टर्स यहाँ पे अगर तेजी बढ़ी तो 320 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं, 300 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। भारत वायर रोप नंबर अच्छे आए हैं, 110 का टारगेट है, 1000 करें, 104 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। एमपी डिस्टिलरीज में भी ऑन द फेस ऑफ इट नंबर खराब है लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो डिप पे बाय करें, 41 तक के जोन्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 3920 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। और बतौर ईपीएस मैंने तलवकर्स को शामिल किया है, यहाँ पे प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं ऊपर के भाव पर, तो खरीदारी करें आप भी, 295 का टारगेट प्राइस होगा, 286 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए